आज हम आपके बीच में आए हैं। हमने कोशिश की है कि कम से कम 7-8 दिन का राशन सबको मिले, कोई भी भूखा नहीं सोए इस परेशानी के समय। और हम सब जाति धर्म सब चीज से ऊपर उठ के इंसानियत के धर्म को माने। अभी हम सब इंसान हैं, न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न कोई किसी राजनीतिक पार्टी का है। इस समय हम इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अगर कोई भूखा है तो सबसे पहले प्राथमिकता से हमें उस भूखे को और जिसके पास बिल्कुल नहीं है उसको मिलना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहती हूँ टाइम टाइम खाना मिलना चाहिए, एंड ये गरीब इंसान है। तो अभी यहाँ की क्या हालत है थोड़ा बताओगी हसीना? या यहाँ क्या है, न तो घर के बाहर निकल सक रहे हैं, न पुलिस वाला बाहर जाने दे रहे हैं, न तो पानी पड़ने दे रहे हैं, न आत्मड़ा भी दबाने जाने दे रहे हैं। तो बच्चे बच्ची कहाँ खाएगा, ये औरतें क्या खाएगी? तो कितने दिन हो गए यहाँ पे? यहाँ मिले को भैया 10-15-20 दिन हो बन जा रही है। अच्छा, तो अभी ये दिहाड़ी मजदूर है जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, इनकी क्या हालत है? आप दूर रहो, थोड़ा पीछे रहो, आप दूर रहो इससे। कहा ये भाई खावे क्या? तो मजदूरी तो बंद हो चुकी है, गमलाना में काम करने वाले मजदूरी बंद हो चुकी, तो खाएगा क्या? न तो कोई अगर दूध का बेचा है, न कोई सब्जी का बेचा है, न कोई दाल का, कोई आटा का, मच्छी का, कुछ भी नहीं है इनके पास। तो फिर कैसे ये कैसे कर पा रहे हैं तो, और कैसे टाइम निकाल रहे हैं? निकाले हालत खराब होगी इनकी तो। हाँ, इनके पैसा भी, हाँ मजदूरी के लिए पैसा भी खत्म हो चुका है, इतनी मजबूरी आएगी इनके घर में तो कुछ भी नहीं मिल रहा बात। तो खाएगा क्या? बच्चा बच्चे छोटे छोटे बच्चे बच्चे मुंह दाना नालते घोटते हैं, तो उनको क्या खिला है? अब दान की भी नहीं है। और हमारे तो यही चाहिए सरकार से, मदद चाहिए गरीब इंसान को। क्या सरकार इस समय तुम्हें मदद कर पाए? सही नहीं है दीदी, ये काम आप किस कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे थे, मेहरबानी। लेने के बाद में आप लोग क्या क्या लग रहा है आपको? ये खुशी हो रही है आप दे रहे हैं राशन, दे ये साबुन आप लोगों को इसलिए दे रहे हैं कि अभी ज्यादा से ज्यादा घर में हाथ धोएं सभी, और पानी से, साफ पानी से हाथ धोएं, उससे ये कीटाणु मर जाते हैं कोरोना के। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जब जाओ मेरे ये